हेलो गाइस, दिस इज थीमन एंड यू आर वाचिंग क्लैशमैन गेमिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा है कि मैस माइनर कैसे करते हैं। तो एक प्रो लेवल के अटैक आपको नहीं दिखा रहा है या फिर आपको नहीं सिखा रहा है कि ऐसे किया जाता है प्रो लेवल अटैक, या फिर टाउन टीन लेवल जहाँ पर इन्फर्नो होता है वहाँ पर कैसे किया जाता है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप टाउन हॉल 10 पे आए अभी तो आप मैस माइनर कैसे सीखे, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे आप स्टार्ट करें। ठीक है, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि पहले 9.5 बेसिस या फिर टाउन हॉल 9 के ऊपर ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत सीख लीजिए। उसके बाद साथ साथ आप टाउन हॉल 10 को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा बहुत टिप्स ले लें और थोड़ा ट्राई भी कर ले। तो आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है, उसके हिसाब से मैं आपको टिप्स देता जाऊंगा। तो देख लीजिए, ये इंजीनियर्ड बेस है टाउन हॉल 11 लेवल का। डिफेंसेस आपका टाउन हॉल 9 लेवल का है, लेकिन टाउन हॉल 11 का ये इंजीनियर्ड बेस है। तो इस बेस के ऊपर ट्राई किया था हमारा एक प्लेयर ने, जो खुद भी एक 9.5 लेवल का प्लेयर है। मतलब वो खुद भी डिफेंस वगैरह नहीं बिठाया टाउन हॉल 10 लेवल का, लेकिन ट्रूप्स अपग्रेड कर लिया है थोड़ा बहुत। तो इस पे माइनर अटैक किया था उसने। तो देख लीजिए, आपको बताते हैं कैसे क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले उसने हॉग राइडर को छोड़ा इस तरफ की डिफेंसेस को थोड़ा बहुत डाउन करने के लिए, और उसके साथ साथ ये जो सीसी है इसको पुल करने के लिए। तो देखिए, इस पोर्शन की जो तीन बिल्डिंग है ये डाउन हो चुका है, सीसी भी पुल हो चुका है। तो वो अभी सीसी को मारने के लिए एक अर्चर से उसको पुल कर रहा है। तो अब देख लीजिए कितना अर्चर इसने लाया है। ये सिर्फ 6 अर्चर लाया था ये सारे जो सीसी वाला ट्रूप से उसको मारने के लिए। पॉइजन को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है और एक एक करके अपना अर्चर छोड़ रहा है। देखिए कैसे थोड़ा बहुत अर्चर से ये कितनी अच्छी तरह से सभी सीसी को किल कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सीसी बहुत ही अच्छी तरीके से ये अभी डाउन हो चुका है। तो देखिए, जो मैस माइनर होता है ना, उसमें क्या करना होता है कि दोनों तरफ अब सिर्फ थोड़ा बहुत फनलिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद मीट जो पोर्शन है उस पर आपको माइनर छोड़ना होगा, ताकि वो एकदम सीधे तरीके से अंदर चला जाए और एकदम से लास्ट एंडिंग तक सीधे ही जाता रहे। माइनर अगर ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ तो उतना अच्छा अटैक नहीं रहता। तो इसकी वजह से आपको दोनों साइड ठीक से फनलिंग करना होगा। ये देखिए, सिर्फ एक ही तरफ हीरो को छोड़ा है, ये थोड़ा बहुत गलती है। मैं बोलूँगा एक तरफ आप अर्चर क्वीन को छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ आप किंग को छोड़ दीजिए, उसके पीछे एक दो सपोर्ट ट्रूप्स दे दीजिए, तो दोनों तरफ अच्छी तरह से फनलिंग हो जाता है। उसके बाद मीट पोर्शन एकदम सीधा एकदम अटैक कीजिए माइनर से, जो कि बहुत अच्छा होता है। और बेस जब चूज़ करें ना, मतलब बेस जब स्ट्रेटजी चूज़ करें, तब आप देखिए कि लंबी पोर्शन किस तरफ से होता है एक बेस का। ठीक है, तो लंबी पोर्शन से अटैक करेंगे तो अच्छा रहता है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है माइनर। तो देखिए कैसे अच्छी तरीके से ये क्लियर करता हुआ एकदम एंड तक आ गया। इसका माइनर 3 लेवल का है, जो कि टाउन हॉल 10 लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली टाउन हॉल 10 में 3 लेवल तक ही जाएगा। तो देखिए और दो अटैक आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सेम प्लेयर ने दूसरे एक वार्ड पे अटैक किया था। एक टाउन हॉल 9 लेवल का बेस है, जो एंटी 3-स्टार टाइप का बेस है। एक्चुअली ये सब अटैक माइनर 3 लेवल का माइनर है, तो ये टाउन हॉल 10 लेवल के लिए अप्रोप्रिएट है, तो टाउन हॉल 10 ही अटैक कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ये सीख रहा है, इसकी वजह से ये नीचे अटैक कर रहा है, अभी ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखिए कैसे हॉग राइडर डालकर ये इस तरफ की थोड़ा बहुत जो बिल्डिंग वगैरह है, डिफेंस बिल्डिंग है, उसको मार दिया और सीसी को पुल कर लिया। और सेम ट्रूप्स कॉम्बिनेशन, अब देख लीजिए 6 आर्चर लाया था, 2 पॉइजन से कितनी अच्छी तरीके से वो किल कर रहा है। ठीक है, और इस बेस पे भी अब नोटिस कर लीजिए कि कैसे इस बेस का डिज़ाइन है, कौन सी तरफ ये लंबा आ रहा है ये बेस ज़्यादा। ठीक है, तो सीसी ऑलमोस्ट मर चुका है। तो देखिए क्वीन को भी ड्रॉप कर दिया उसने, क्वीन को ड्रॉप करके ऐसे इस अच्छी तरीके से इस तरफ से फनलिंग कर रहा है, देख लीजिए। और दूसरी तरफ किंग डाल दिया। तो पहले वाले वीडियो में मैं जो बताया था कि एक तरफ आर्चर क्वीन डाल दीजिए, एक तरफ किंग डाल दीजिए, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी से फनलिंग हो जाए। तो देख लीजिए कैसे दोनों तरफ अच्छी तरह से फनलिंग हो गया और कैसे माइनर अंदर जा रहा है, एकदम सीधा अंदर जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है इस तरफ से, तो कि ये इसलिए ये बहुत अच्छा जा रहा है। तो देखिए ये आर्चर क्वीन कैसे ये इसको वॉल ब्रेक करके अभी अंदर आ रहा है, और हिल को कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है। और आपको एक टिप्स और भी दे दे कि जब आप बेस को देख लीजिए कि कहाँ पर क्या बेस का है, कहाँ पर विजर्ड टावर है, कहाँ पर बॉम्ब टावर है, कहाँ पर जाइंट बम का
लोकेशन हो सकता है, उस हिसाब से आप पहले ही डिसाइड कर ले कि कहाँ कहाँ पर आपका हील आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बाद में आपको हील शॉर्ट पड़ जाएगा, आप हिसाब नहीं करेंगे तो हील का शॉर्टेज आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए कैसे ये ड्रॉप कर रहा है सभी स्पेल, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉप कर रहा है। और क्योंकि ये टाउन हॉल 9 लेवल का बेस है तो ये बहुत ही आसान होगा कि लेवल 3 माइनर के लिए इसको डाउन करना। लेकिन क्योंकि ये एक न्यूबी प्लेयर है माइनर अटैक में, तो इसलिए मैं ये अटैक आपको सीखने के लिए, ये सब ट्राई करने के लिए रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा कि थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे आप अटैक करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहे कि कैसे अटैक करना है, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इसके बाद एक और अटैक दिखाऊंगा जो कि 100% नहीं हुआ था, वो भी एक 9.5 लेवल का बेस है जिसका डिफेंस बहुत ही अपग्रेडेड है, ठीक है। ये तो ख़त्म हो चुका है, तो चलिए उस अटैक को भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये वो बेस डिज़ाइन है जिस पर अटैक किया था लेकिन 100% नहीं हो पाया। इसका क्या रीज़न था ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बेस अब देख लीजिए, ये भी 9.5 लेवल का है, इसका डिफेंस भी थोड़ा बहुत अपग्रेडेड हो चुका है। तो इस पर आप देखिए, तो देखिए पहले सेम ही जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करके हॉक ड्रॉप कर दिया और सीसी को वो पुल कर लिया, थोड़ा बहुत डिफेंसेस यहाँ पर डाउन कर दिया उसने। तो अभी सीसी देखिए कि एक कॉर्नर में ला रहा है पुल करके, देखिए सेम ट्रूफ कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये डाउन कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ही कम ट्रूप्स यूज़ करके अगर आप सीसी को पूरा डाउन कर पाए, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और इस बेस डिज़ाइन को भी आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर ये चौड़ा है, कहाँ पर ये लंबा है, किस तरफ से ये लंबा आता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली गलती हुआ है कि ये साइड डिसाइड में बहुत ही गलती किया है, ये लंबी साइड यहाँ पर नहीं है, जहाँ से जा रहा है यहाँ पर बहुत ही चौड़ा है ये साइड, ठीक है। किंग को भी अच्छी तरह से छोड़ दिया गया था, दोनों तरफ फनेलिंग करते हुए आगे जा रहा था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही चौड़ी साइड था इसलिए ये देखिए माइनर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। और उसने कैलकुलेट भी नहीं किया है बहुत अच्छी तरह के इस बेस पे कि कहाँ पर स्पेल डालना है। तो देखिए ऑलरेडी 3 जो हील स्पेल था वो डाल चुका है ये, लेकिन क्योंकि ये डिफेंस थोड़ा बहुत अपग्रेडेड है और स्प्लैश डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, इसकी वजह से सभी हील स्पेल यूज़ हो चुका है। ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था कि कहाँ कहाँ पर स्पेल डालना है, ठीक है। और क्योंकि ये चौरी साइड से ये इसने अटैक को स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो चुका है और ज़्यादा स्पेल यूज़ हो चुका है। अगर जिस तरफ किंग जा रहा था उस तरफ से ये माइनर छोड़ता तो बहुत ही अच्छा रहता, ये लंबी साइड आता उस साइड से तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये अटैक हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक गलती हुआ है, तो क्योंकि ये एक न्यू प्लेयर है, ये सब छोटी छोटी गलती से ही सीखेगा। तो ये जो गलती किया था हमने इसको टीप दे दिया था कि कैसे करना है, इस तरफ से कैसे बेस को सिलेक्ट करना है, तो ये भी आप लोग भी देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्या करना होता है। तो ये अटैक तो कंप्लीट हो चुका है, पूरा नहीं हो पाया, फिर भी आपको दिखाया क्योंकि इससे आप सीख पाएंगे कहाँ पर गलती हुआ है और क्या गलती हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो बचा बहुत ही ज़्यादा है और ट्रूफ नहीं है, तो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो देख लीजिए, अगर आप माइनर आपको अच्छा लगता है और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैस माइनर आप अटैक आप सीखे, तो ये वीडियो आप देखकर थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा बहुत टिप्स लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बोलूँगा पहले टाउन हॉल 10 लेवल पर मत जाइए, थोड़ा बहुत नीचे ट्राई कर लीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, उसके बाद आप टाउन हॉल 10 में ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।